गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक द नेक्स्ट सेशन, चैप्टर नंबर 8, स्वामी एंड फ्रेंड्स. इन द लास्ट क्लास वी रीड द चैप्टर स्वामी एंड फ्रेंड्स. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रिमेनिंग चैप्टर ऑन द पेज नंबर 17, स्वामी एंड फ्रेंड्स. इन दिस चैप्टर वी रीड दैट के स्वामीनाथन इज अ बॉय, इज अ यंग बॉय. And he felt unpleasant to attend the school on Monday after the freedom of Saturday and Sunday. So अब उसके बारे में, उसके स्कूल टाइम स्टार्ट हो गया है, वो स्कूल चला गया है. हमने पढ़ा कि वो बहुत लेज़ी मूड में था मंडे मॉर्निंग को, और उसने मंडे को अनप्लीजेंट कहा. एट एडजेक्टिव यूज़ किया उसने कि मंडे इज़ अ अनप्लीजेंट. स्वामीनाथन यूज़ द एडजेक्टिव अनप्लीजेंट टू डिस्क्राइब मंडे मॉर्निंग आफ्टर द फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे. स्वामीनाथन डिडंट वॉन्ट टू गेट इन टू द मूड ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन. ओके, और इन द लास्ट क्लास वी ऑल्सो रेड अबाउट द स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स लाइक द हिस्ट्री टीचर बिकॉज ही वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड ह्यूमर एंड हिज टीचिंग मेथड वॉज यूनिक एंड इंटरेस्टिंग. और जब वो मॉर्निंग में होता है तो वो 8 o'clock तक तो सिर्फ ये रिकलेक्ट करने की कोशिश करता है कि उसको क्या क्या करना है, कौन कौन सा वर्क करना है. देन वो स्कूल चला जाता है, स्कूल में वो अर्थमेटिक का क्लास अटेंड करता है, देन हिस्ट्री क्लास अटेंड करता है. एंड द हिस्ट्री टीचर वॉज लाइक्ड बाई ऑल द स्टूडेंट बिकॉज ही वॉज काइंड एंड गुड ह्यूमर. ओके, नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर, रिमेनिंग चैप्टर. नाउ टर्न ऑन द पेज 17 एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन देयर वर्क. ओके, देखिए हेयर वी हैव 1, 2, 3, 4, 5. हेयर द 5, वन इज स्वामीनाथन. इट मीन्स स्वामीनाथन हैज़ 4 फ्रेंड्स. देयर वर 4 पीपल दैट स्वामीनाथन लाइक्ड एंड एडमायर्ड मोस्ट इन द क्लास. उसकी क्लास में, स्वामीनाथन की क्लास में कितने पीपल हैं? 4 पीपल. इट मीन्स के 4 फ्रेंड्स हैं जिनको वो लाइक्ड करता है और जिनको वो एडमायर्ड करता है अपनी क्लास में. द फर्स्ट वॉज सोमू. पहला कौन है? सोमू है द मोनिटर, जो क्लास का मोनिटर है. Who went about his work with absolute confidence and calmness. और वो अपने वर्क को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करता है और कामनेस से, शोर शराबा नहीं मचाता, बहुत ही पीसफुली वो अपने काम को करता है, अपनी ड्यूटीज़ को. ऑल द टीचर्स लाइक्ड हिम, और सभी टीचर्स जो हैं उसको पसंद करते हैं. देन देयर वॉज मनी, एक मनी है. ही टावर्ड अबव ऑल द अदर बॉयज़ इन द क्लास. मनी बुलीज ऑल स्ट्रेंजर्स डेट कम हिज वे. देखिए जो वो है मनी है, वो क्या है? टावर्ड है. टावर्ड मतलब वो सबसे लंबा है. कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट, वो सबसे टोल है. एंड द थर्ड पर्सन वॉज शंकर. शंकर इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय. ही सॉल्वड एनी प्रॉब्लम डिट वॉज गिवन टू हिम इन 5 minutes एंड ऑलवेज मैनेज टू स्कोर 90%. जो थर्ड है इसका फ्रेंड शंकर, वो बहुत ही ब्रिलियंट है और वो सारी प्रॉब्लम्स को 5 minutes के अंदर, विद इन द 5 minutes ही सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑलवेज गॉट द मार्क्स 90%. ही न्यू ऑल द रिवर्स, माउंटेन्स एंड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और वो जानता है सभी माउंटेन्स रिवर्स के बारे में, वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में. ही कुड रिपीट हिस्ट्री इन हिज स्लीप. वो सोते ही हिस्ट्री को क्या करता है? रिवाइज कर लेता है, रिपीट कर लेता है. एंड ग्रामर वॉज चाइल्ड्स प्ले टू हिम. और ग्रामर क्या है? उसके लिए बच्चों का खेल है. इट मीन्स ही वॉज वेरी ब्रिलियंट बॉय. द फोर्थ फ्रेंड वॉज द सैमुअल. एंड फोर्थ फ्रेंड जो स्वामीनाथन का जो फोर्थ फ्रेंड है, उसका नेम क्या है? सैमुअल, नॉन एज द पी. उसको कैसे जाना जाता है? एक पी, ऑन अकाउंट ऑफ हिज साइज. क्योंकि वो साइज में क्या है? छोटा है, इसलिए उसको सब क्या बोलते हैं? पी. देयर वॉज नथिंग outstanding about him. और उसमें कुछ great नहीं है जो सैमुअल है, सब में कोई ना कोई खूबी है, क्वालिटी है, बट पी में ऐसा कुछ नहीं है. इट वॉज़ अ ऑर्डिनरी बॉय. ही वॉज एज बैड इन अर्थमेटिक एज स्वामीनाथन वॉज. वो अर्थमेटिक में इतना ही बुरा है जितना कि स्वामीनाथन. स्वामीनाथन अर्थमेटिक में दोनों एक जैसे हैं. द बॉन्ड बिटवीन देम वॉज लाफ्टर. और दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? हंसने का. जो आपस में उनकी फ्रेंडशिप हुई वो किसको लेकर हुई? क्योंकि उनका जो बॉन्ड है लाफिंग का, वो एक जैसा है. द मोस्ट ट्राइवल एंड अननोटिसेबल थिंग्स टू अदर्स वुड मेक देम लाफ लाइक क्रेजी. अनइम्पॉर्टेंट, ट्राइवल मतलब अनइम्पॉर्टेंट. द मोस्ट ट्राइवल एंड अननोटिसेबल थिंग,
दूसरों के अंदर जो उनको बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट और जो नोटिस नहीं करने वाला जो थिंग दिखती है टू अदर्स वुड मेक देम वह लोगों को उनको हंसाना लाइक ए क्रेजी पागलपन के हद तक. इट वॉज सैटरडे एंड रजम हैड प्रोमिस टू विजिट स्वामी एट हिज हाउस इन द आफ्टरनून. अब इट इज़ ए अनदर बॉय ऑफ रजम क्लासमेट है वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको विजिट करेगा वो उसके घर आएगा स्वामी के इन द आफ्टरनून में. रजम वॉज ए न्यू कमर एंड ही ड्रेस्ड वेरी वेल. जो रजम जो है वो एक न्यू स्टूडेंट से और वो बहुत ही अच्छे से वेल ड्रेसअप में रहता है. एंड ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु वॉर सॉक्स एंड शूज़ फर कैप टाई कॉट एंड निकर्स. उनकी क्लास में सिर्फ वो एक ही बॉय है जो क्या पहनता है सॉक्स पहनता है शूज़ पहनता है फर कैप भी लगाता है टाई कॉट एंड निकर पहनता है. ही प्रूव्ड टू बी अ गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स टू. वो इस बात को भी उसने प्रूव किया है कि वो क्या है एक गुड स्टूडेंट्स है अच्छा स्टूडेंट है. देयर वर र्यूमर्स डैट उसके बारे में ये र्यूमर्स थी कि ही हैड कम फ्रॉम सम इंग्लिश बॉयज़ स्कूल समवेयर इन मद्रास. और उसके बारे में ये र्यूमर्स है कि वो कहीं बाहर से आया है इंग्लिश बॉय है इंग्लिश बॉयज़ स्कूल से आया है इन मद्रास. ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था. स्वामीनाथन वॉज एक्साइटेड टू मेक अ न्यू फ्रेंड. और स्वामीनाथन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है एक्साइटेड है किस लिए एक्साइटेड है एक न्यू फ्रेंड बनाने में. एंड ही रिक्वेस्टेड हिज फादर एंड ही वॉन्टेड टू इंटरटेन हिम इन हिज ओन रूम. और वो चाहता था कि वो अपने रूम में उसको इंटरटेन करवाए बट हिज फादर ओपन कैम इन टू ड्रेसअप. लेकिन उस कमरे में अक्सर उसके जो पापा हैं वो कभी कभी ड्रेसअप होने के लिए आते हैं. इट मीन्स वो रूम किसका है उसके फादर का है. और जो रजम है उसने प्रॉमिस किया है कि वो दिन में आफ्टरनून में उसके पास मिलने आएगा तो वो चाहता है कि आफ्टरनून में जब वो आए तो उसको बहुत स्पेशल बहुत अच्छा फील करवाए उस वाले रूम में जहाँ वो उसके पापा अक्सर ड्रेसअप करने के लिए आते हैं. ही वेंट टू हिज मदर एंड सैड. वो अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है मदर कैन यू आस्क फादर टू लेंड मी हिज रूम फॉर जस्ट एन आर और टू. वो अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करते हैं मम्मा क्या पापा से कहेंगी कि वो मुझे अपना रूम उधार दे दें. लैंड मतलब उधार देना इज रूम फॉर जस्ट एन आर सिर्फ एक या टू आवर्स के लिए. शी सैड डैट शी कुड नॉट एज शी वॉज वेरी बिजी. वो नहीं कर सकती वो नहीं कह सकती बिकॉज वो क्या है वो बहुत बिजी हैं. एंड शी टोल्ड हिम टू गो एंड आस्क हिमसेल्फ. तो उसकी मम्मा ने कहा तुम खुद जाओ तुम खुद पूछ लो आप खुद उससे बात कर लें पापा से पूछ लीजिए. ओ ही विल गिव मोर रेडिली इफ़ यू आस्क सेड स्वामीनाथन. वो अगर आप पूछेंगी तो वो ज़रूर मान जाएंगे. मतलब कि मम्मा बेटा कह रहा है स्वामीनाथन जो कह रहा है कि अगर आप पूछें तो वो बहुत ईजीली मान जाते. नाउ टर्न द पेज. ही वेंट टू हिज फादर. फिर भी वो अपने पापा के पास जाता है. ही वेंट टू हिज फादर एंड सेड फादर आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. पापा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. फादर लुकड अप. फादर ने ऊपर देखा फ्रॉम द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उन्होंने ऊपर से अपनी नज़र करी डैट ही वॉज रीडिंग जिसे वो पढ़ रहे थे. फादर आई वॉन्ट योर रूम. मैं आपका रूम चाहता हूँ. फादर कहते हैं वॉट फॉर किस लिए. माई फ्रेंड्स विजिटिंग मी स्वामीनाथन रिप्लाइड. स्वामीनाथन रिप्लाइड कि मेरा फ्रेंड जो है मुझे विजिट करेगा वो घर आएगा. ओ यस यू कैन हैव माई रूम. तो मेरा रूम ले सकते हो बट बी श्योर नॉट टू मैसअप. मैसअप यानी कहीं तुम उसको मैसअप मत कर देना बिगाड़ मत देना चीज़ों को उलट पुलट मत कर देना सही से रखना. एंड द थिंग्स ऑन द टेबल. टेबल स्पेस थिंग्स रखना. ओ आई विल बी वेरी केयरफुल. यू आर ए नाइस फादर. फादर उसने कहा ओके पापा मैं सब कुछ का ध्यान रखूँगा आई एम वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड यू आर रियली अ नाइस फादर. नाउ हमने क्या देखा यहाँ पे इसके अंदर क्या देखा हमने कि स्वामी जो है स्वामी वॉज वेरी एक्साइटेड टू मेक अ न्यू फ्रेंड. रजम ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लैंड हिज रूम फॉर द आफ्टरनून एंड हिज मदर प्रिपेयर्ड सम स्नैक्स फॉर रजम एंड स्वामी इंश्योर्ड दैट रजम्स विजिट टू द हाउस वेंट वेल. नाउ रजम विजिट वेंट मोर स्मूथली देन स्वामीनाथन हैड थॉट. और जो रजम था वो बहुत ही स्मूथली वहाँ पे आ गया एंड स्वामीनाथ जैसा कि स्वामीनाथ ने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा उसकी क्या रही उसका विजिट रहा. एंड फादर हैड लेफ्ट हिज रूम. फादर ने अपना रूम छोड़ दिया एंड ओपन रूम ओपन एंड मदर हैड प्रिपेयर्ड सम मार्बल विथ व्हीट प्लम एंड शुगर. उसकी मम्मा ने सम मार्बल्स बनाए कैसे बनाए व्हीट से बनाए प्लम एंड शुगर.
उसकी मम्मा ने भी उनके लिए बहुत अच्छे से स्नैक तैयार कर दिया था, प्रिपेयर्ड सम स्नैक्स फॉर रजम एंड स्वामी इंश्योर दैट रजम विजिट टू हिज हाउस वेंट वेल. नाउ इट इज़ द चैप्टर द स्वामी एंड हिज फ्रेंड इज एन अडेप्शन ऑफ द नावल द स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण. जो आपका जो प्रेजेंट चैप्टर है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ए नावल, इट्स अडेप्शन ऑफ ए नावल और रिटन, इट इज़ रिटन बाय आर के नारायण. आर के नारायण इज़ अ राइटर ऑफ दिस नावल. होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द स्टोरी अबाउट ए स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स एंड यू रीड इट अगेन एट योर होम एंड रीड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स और आल्सो लाइक अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट मीन्स टेरिबल, टावर्ड यानी टू टू टॉल इन ए कंपेरिजन टू अदर्स, आउटस्टैंडिंग means great, tribal means unimportant. You just write down these words in your notebook and learn it. Hope you all are understood this. Take care and revise it, and we will do our book activity in our next class. Till then, take care.